बारे में, यहाँ जामा मस्जिद हमारा हमारे देश का एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, तो बहुत ही भारी मात्रा में टूरिस्ट रोजाना यहाँ आते हैं। और देखा जाए तो गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी बसें जो शायद इस रोड पे चलने के लिए जगह भी नहीं छोड़ती हैं, वो आ जाती हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको, क्या जिस तरह से एक हनुमान मूर्ति को हटाया जा सकता है, उन बसों को हटाना क्या इतनी बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचिए, जामा मस्जिद इतनी बड़ी जगह है और सारे फॉरेनर आते हैं, लेकिन वो लोग क्या छवि लेके जाते हैं कि यहाँ पे जाम है, लोग बाग ऐसे सड़कों पे चल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में ऑफिस आवर होता है। ऑफिस आवर में सारे वर्कर लोग आ रहते हैं बाइक पे, उनको अपनी दुकान में शॉप पे पहुंचने की जल्दी होती है, लेकिन ये पार्किंग उनको जब इतनी बड़ी लाल किले पे जगह मिली हुई है, उसको एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रोकना चाहिए। वो आप आएंगे ना उस टाइम में, अगर किसी को इमरजेंसी सर्विस चाहिए वो पहुँच नहीं सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैंने अपने बच्चे को पास के अरविंद हॉस्पिटल लेके जाना था, मैं उसको कंधे पे लेके गया हूँ, ना मैं रिक्शा में ले जा सकता हूँ ना पैदल जा सकता हूँ, इतना एक तरफा जाम लगता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये विधायकों को हम कुछ बोल ही नहीं सकते, सांसद को कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो आते ही नहीं हमारे इलाके में, तो अपनी आवाज़ हम कैसे पहुँचाएंगे? खाली वोट दो और अपने घर में बैठ जाओ। एरिया का ढूंढ के लाए कोई, उनके एरिया वाले का ढूंढ के आओ, वो कहते हैं हमारे। आप बताइए, आप यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, तो आपकी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि आपका विधायक सबसे पहले सुलझाए और पिछले 5 सालों में नहीं सुलझी है? 5 सालों से, कितने सालों से मैडम, यहाँ का चौड़ी बाजार का रोड नहीं सुधरा, और यहाँ का ये ट्रैफिक व्यवस्था होना चाहिए, और पुलिस वालों को भी चाहिए, उनको अथॉरिटी होना चाहिए कि अगर फालतू गाड़ियाँ खड़ी है तो उसको उठा सके, जो कि वो ये कहते हैं कि मैडम हम नहीं कुछ कर सकते, कैसे ऊपर से हमें दबाव पड़ती है, हम इसलिए इनके साथ जो है जबरदस्ती नहीं कर सकते। और ये चांदनी चौक साफ हो, चांदनी चौक का ये सारा मुद्दा पे होटलों की वजह से बसें खड़ी होती हैं, तो आपको उन समस्याओं का क्या निवारण और क्या कारण लगता है? यही कारण है कि जाम लगता है यहाँ पे, बसें खड़ी होती हैं आकर के, दो दो घंटे बसें, तीन तीन घंटे बसें खड़ी रहती हैं यहाँ पे आकर के, बसें खड़ी रहती हैं, लेकिन उन बसों के खड़े होने के पीछे की जो वजह है, आप ना तो पुलिस वाले कुछ करते हैं, ना पब्लिक कुछ करती, कोई कुछ नहीं करता, ना ट्रैफिक पुलिस वाला एक भी नजर नहीं आता यहाँ पे, जो कि ताकि उसको आकर के रोक सके, हटा सके। तो चलिए चलिए, फिर प्रशासन की ही बात आती है, तो बात वही आ जाती है कि पिछले 5 साल से यहाँ पर अलका लांबा ही कार्य कर रही है, और उससे पहले भी पिछले 15 साल से यहाँ साहनी जी की सरकार थी, तो 15 और 5 जमा 20 सालों से पुरानी दिल्ली की हालत इतनी खराब कर दी गई है कि आज यहाँ के आम आदमी भी रहने को परेशान है।